नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। आज हम आचार्य कौटिल्य के राजा की कर्तव्यों के टॉपिक का अध्ययन करेंगे। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक आचार्य कौटिल्य ने जो राजा के कर्तव्य लिखे हैं उन पर विचार करेंगे। राजा के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए आचार्य कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है तथा प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है, प्रजा से सुख में ही उसका सुख है। उनके अनुसार राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता है, वैसे ही प्रजा को वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करते हुए तथा जो त्रय अर्थात तीन वेद द्वारा निहित विधान से रक्षित रहती है, वह प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार आचार्य कौटिल्य ने अपने राजा के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए प्रमुख बातों को ध्यान में रखा है। इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट है, वर्ण आश्रम धर्म को बनाए रखना। राजा का एक प्रमुख कर्तव्य वर्ण आश्रम धर्म को बनाए रखना और सभी प्राणियों को अपने धर्म से विचलित न होने देना, क्योंकि जिस राजा की प्रजा आर्य मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करती है और जो त्रय तीन वेद द्वारा निहित विधान से रक्षित रहती है, वह प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है और उसका कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार से आचार्य कौटिल्य के राजा का जो दूसरा कर्तव्य है, दंड की व्यवस्था करना। राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य दंड की व्यवस्था करना है, क्योंकि दंड अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त करना है उसकी रक्षा करता है, रक्षित वस्तु को बढ़ाता है और बढ़ी हुई वस्तु का उपयोग करता है। समाज और सामाजिक व्यवहार दंड पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए दंड की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। किंतु इस संबंध में स्वामी को इसका ध्यान रखना चाहिए कि दंड ना तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो और ना ही कम। यथोचित दंड देने वाला राजा ही पूज्य होता है और केवल समुचित दंड ही प्रजा को धर्म अर्थ तथा काम से परिपूर्ण करता है। यदि काम क्रोध या अज्ञान तवश दंड दिया जाए तो जनसाधारण कि कौन कहे, वानप्रस्थ और सन्यासी भी क्षुब्ध हो जाते हैं। यदि दंड का उचित प्रयोग नहीं होता तो बलवान मनुष्य निर्बलों को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी को। इस प्रकार राजा का जो तीसरा जो कर्तव्य है, आय व्यय का प्रबंध। आचार्य कौटिल्य ने राजा को आय व्यय का पूरा हिसाब और प्रबंध करने के लिए कहा है। उसे यह कार्य समाहर्ता के द्वारा करना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार कर धर्म पूर्वक एकत्रित किया जाना चाहिए और वह मात्रा से इतना अधिक हो कि उससे संकट काल में दीर्घ अवधि तक निर्वाह हो सके। जो अगला जो राजा का कर्तव्य है, नियुक्ति संबंधी कार्य। राजा अमात्य सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके कार्यों का निरीक्षण करके श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति करता है। आचार्य कौटिल्य के जो राजा का अगला जो कर्तव्य है, लोकहित और सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य। कौटिल्य ने राजा को लोकहित और सामाजिक कल्याण के भी कार्य सौंपे हैं। इनके अंतर्गत राजा दान देगा और अनाथ वृद्ध तथा असहाय लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था करेगा।
असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करेगा और उनके बच्चों का भरण पोषण करेगा। जो किसान खेती न करके जमीन परती छोड़ देते हों, उनकी जमीन उनसे जमीन लेकर वह दूसरे किसानों को देगा। उसके अन्य कर्तव्य कृषि के लिए बांध बनाना, जलमार्ग, स्थल मार्ग, बाजार और जलाशय बनाना है। आवश्यक होने पर उसे धनवानों पर अधिक कर लगाकर उस धन को गरीबों में बांट देना चाहिए। आचार्य कोटिल का जो अगला कर्तव्य है, युद्ध करना। कोटिल के अनुसार युद्ध करना राज्य का एक प्रमुख कार्य है। कोटिल ने अर्थशास्त्र का केंद्र एक ऐसा विजिगीषु अर्थात विजय की इच्छा रखने वाला राजा है जिसका उद्देश्य निरंतर नए प्रदेश प्राप्त कर अपने क्षेत्र में वृद्धि करना है। कोटिल राज्य की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी मापदंड से निश्चित करता है कि ये राज्य को किस सीमा तक सफल युद्ध के लिए तैयार करती है। आचार्य कोटिल के राजा का जो अगला कर्तव्य है, न्याय व्यवस्था। स्वधर्म पालन योजना को कार्यान्वित करने के लिए न्याय व्यवस्था की स्थापना आवश्यक है। इसके दो क्षेत्र होते हैं, व्यवहार क्षेत्र और कंठक शोधन क्षेत्र। पहले का संबंध नागरिकों के पारस्परिक विवादों से है और दूसरे का राज्य के कर्मचारियों और व्यवसायियों से है। निर्णय के लिए कोटिल राज्य को अनेक प्रकार के न्यायालयों की स्थापना करने का परामर्श देता है। अगला जो कार्य है राजा का, गुप्तचर व्यवस्था। इस कर्तव्य के विधिवत पालन हेतु राजा अपने कर्मचारियों, व्यापारियों आदि के दैनिक व्यवहार पर गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा नज़र रखता है। विपत्ति के समय राजा प्रजा की विभिन्न प्रकार से सहायता करता है, जो कि उनका परम कर्तव्य है। इस प्रकार आज हमने आचार्य कोटिल के जो राजा के कर्तव्य हैं उनका अध्ययन किया। धन्यवाद।